दोस्तों ये क्या जंगली शेर अपनी पे आ गया, शीशा तोड़कर बाहर आ गया, जाली पर चढ़ गया, कोई तो रोको इस तूफान को जिसका नाम है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। दोस्तों एलिमिनेशन चैम्बर मैच शुरू होता है, एक एक करके सभी सुपरस्टार आते हैं, लेकिन जैसे ही लास्ट में ब्रॉक लेसनर का एंट्रेंस थीम बजता है, शेर आता है, क्राउड की तरफ से तगड़ा पॉप मिलता है। जिन लोगों ने ये फाइट देखी है उनको पता होगा ब्रॉक लेसनर के आते ही ऑडियंस खुशी के मारे नाचने लग जाती है जैसे कोई जंगल का राजा आ गया हो। दोस्तों मैच शुरू होता है, सेथ रोलिंस और ऑस्टिन थ्योरी की तरफ से काफी तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, लेकिन एक सेकंड महामहिम कहां है, ऐसे होते हैं महामहिम जो रणभूमि में युद्ध को बीच में छोड़कर चले जाएं। दोस्तों सेथ रोलिंस ऑस्टिन थ्योरी को बॉबी लेस्ली के बक्से की तरफ फेंकते हैं जिसके चलते बॉबी लेस्ली इंजर्ड हो जाते हैं और मैच को बीच में ही छोड़कर कल्टी हो लेते हैं। एक्चुअली बॉबी लेस्ली को भी पता चल गया होगा कि आज ब्रॉक लेसनर तूफान बनने वाला है, तो चपेट में आने से पहले ही कल्टी हो लो, नहीं चाहिए चैंपियनशिप। दोस्तों ये सब पहले से ही स्क्रिप्टेड था, अब इसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि शायद WWE अभी बॉबी लेस्ली और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड ठीक से करवाना ही नहीं चाहती हो, फ्यूचर के लिए प्लान कर रही हो, क्योंकि दोस्तों इस मैच में ब्रॉक लेसनर को तगड़ा दिखाना था ताकि रेसलमेनिया 38 के लिए एक तगड़ा मैच सेट हो सके। अगर बॉबी लेस्ली मैच में लड़ता तब भी उसे हारना ही पड़ता, तो WWE ने सोचा होगा बॉबी लेस्ली को इंजर्ड कर देते हैं, फ्यूचर में फिर कभी फ्यूड चलवा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि बॉबी लेस्ली कोई नॉर्मल सुपरस्टार तो है नहीं, WWE चैंपियन था और WWE चैंपियन को इस तरीके से मैच छोड़कर नहीं जाना चाहिए। You are right, bro. दोस्तों मुझे एंड मौके तक यही लग रहा था कि शायद बॉबी लेस्ली आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा दोस्तों जब टूनू नूनू 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 करके बॉबी लेस्ली का नंबर आता है तो बॉबी लेस्ली होता नहीं है और फिर हमारे शेर बब्बर शेर ब्रॉक लेस्नर को गुस्सा आ जाता है और वो खुद अपने बक्से को तोड़कर बाहर आ जाता है और एक एक करके सेथ रोलिंस एजे स्टाइल और रिडल को अपने F5 का शिकार बनाकर एलिमिनेट कर देता है, जैसे कोई खूंखार शेर नहीं होता जिसका पिंजरा खोलने की जरूरत होती है और वो सीधा अपने शिकार पर झपट्टा मारता है, सेम वैसे ही। You are right, bro. दोस्तों आप मानोगे नहीं, ब्रॉक लेसनर इतनी फुर्ती दिखाता है कि एलिमिनेट सुपरस्टार का नाम लेने का भी टाइम नहीं मिलता, इतनी देर में दूसरा सुपरस्टार भी एलिमिनेट हो जाता है। और ऑस्टिन थ्योरी के पीछे तो ब्रॉक लेसनर ऐसे भागता है जैसे कोई जंगली शेर अपने शिकार के पीछे भाग रहा हो। दोस्तों मानो या ना मानो ब्रॉक लेसनर रियल में तगड़ा है, ब्रॉक लेसनर जैसा कोई नहीं है और यही रीजन है कि मैं ब्रॉक लेसनर की काफी तारीफें करता हूँ, क्योंकि ये बंदा तारीफ के लायक है। दोस्तों ब्रॉक लेसनर ऑस्टिन थ्योरी को काफी ऊंचाई से F5 लगा देते हैं और इस मैच को जीतकर WWE चैंपियन बन जाते हैं और सीधा रेसलमेनिया 38 के लिए चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच भी बुक कर लेते हैं। दोस्तों मैच काफी तगड़ा था, ब्रॉक लेसनर ने 4 चांद लगा दिए, ऑस्टिन थ्योरी ने भी काफी तगड़ी परफॉर्मेंस दी। मैं इस मैच को 5 में से 5 स्टार दूंगा, अगर कोई इससे ऊपर का भी स्टार होगा तो वो भी दे दूंगा। तो दोस्तों आप भी वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर देना।